नमस्कार दोस्तों, हम में से सभी ने कभी ना कभी ट्रू कॉलर एप्लीकेशन का इस्तेमाल जरूर किया होगा। अब ट्रू कॉलर से एक खबर निकल के आ रही है कि ट्रू कॉलर अपनी कॉल रिकॉर्डिंग सर्विस 11 मई से बंद करने जा रहा है। ट्रू कॉलर ने गूगल की नई पॉलिसी के तहत ये फैसला लिया है। गूगल ने 11 मई से API का एक्सेस बंद करने की बात कही है और तमाम कॉल रिकॉर्डिंग एप्स रिकॉर्डिंग के लिए API का इस्तेमाल करते रहे हैं। गूगल के इस एक्शन के बाद ट्रू कॉलर कॉल रिकॉर्डिंग फीचर को अपने ऐप से हटाने की बात कही है। ट्रू कॉलर की ओर से कहा गया कि गूगल की नए डेवलपर प्रोग्राम पॉलिसी के मुताबिक अब कॉल रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं दे पाएंगे। ट्रू कॉलर का कहना है कि उसने यूजर्स की मांग के आधार पर सभी एंड्रॉइड स्मार्टफोन के लिए कॉल रिकॉर्डिंग की शुरुआत की थी। ट्रू कॉलर पर कॉल रिकॉर्डिंग सभी के लिए फ्री थी। दरअसल सर्च की दुनिया का बादशाह गूगल अपनी पॉलिसी में बदलाव ला रहा है। इस बदलाव के बाद थर्ड पार्टी कॉल रिकॉर्डिंग ऐप बंद हो जाएंगे। गूगल ने कहा है कि नई पॉलिसी के तहत ऐप डेवलपर्स को कॉल रिकॉर्डिंग के लिए API की सुविधा नहीं मिलेगी। यह सुविधा बंद होते ही ऐप रिकॉर्डिंग का काम नहीं कर पाएंगे। नई पॉलिसी के अंतर्गत गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद कॉल रिकॉर्डिंग ऐप बेकार हो जाएंगे। एंड्रॉइड फोन पर आप कॉल रिकॉर्डिंग के लिए इन ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस सुविधा के बंद होते ही ट्रू कॉलर, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर, क्यूब, ACR समेत तमाम रिकॉर्डिंग ऐप काम नहीं करेंगे। यह पॉलिसी इसी साल 11 मई से लागू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि गूगल ऐसा कदम पहली बार उठाने जा रहा है। इससे पहले प्राइवेसी और सुरक्षा की बात कहते हुए गूगल ने एंड्रॉइड 10 के साथ कॉल रिकॉर्डिंग फीचर्स को हटा दिया था। एंड्रॉइड 11 के साथ एक्सेसिबिलिटी API फीचर आया। इस फीचर का इस्तेमाल कर डेवलपर्स ने कॉल रिकॉर्डिंग ऐप पर लॉन्च कर दिए थे। अगर आपके एंड्रॉइड फोन में डिफॉल्ट रूप से कॉल रिकॉर्डिंग सुविधा है तो आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। गूगल का कहना है कि प्री लोडेड कॉल रिकॉर्डिंग ऐप या फीचर के लिए एक्सेसिबिलिटी API परमिशन की जरूरत नहीं होती है। गूगल पिक्सल, सैमसंग, OnePlus और Xiaomi स्मार्टफोन में सुविधा डिफॉल्ट रूप में दी हुई होती है। दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स की भी टेंशन बढ़ी हुई है। उसके 3 महीने में 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर घट गए हैं। इससे कंपनी को काफी घाटा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अब नेटफ्लिक्स सब्सक्राइबर की संख्या घटकर करीब 22 करोड़ रह गई है। यह चौंकाने वाली है क्योंकि नेटफ्लिक्स के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेटफ्लिक्स को यह घाटा किसी एक वजह से नहीं हुआ है। OTT प्लेटफॉर्म ने इसकी कई वजह गिनाई है। पहली सबसे बड़ी वजह तो रूस और यूक्रेन की जंग ही है। दोनों देशों की जंग में नेटफ्लिक्स को घाटा हुआ है। नेटफ्लिक्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, जिसका विरोध करते हुए कंपनी ने रूस में अपनी सारी सर्विसें रोक लगा दी थी। इससे करीबन 7 लाख सब्सक्राइबर पर असर पड़ा था। कंपनी यहां से होने वाले घाटे की भरपाई कैसे करेगी, इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है पासवर्ड शेयर करना। दुनिया भर में नेटफ्लिक्स के करीबन 22 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। उनमें से 10 करोड़ ऐसे फैमिली नेटफ्लिक्स यूजर हैं जो पासवर्ड शेयर करते हैं। कंपनी को होने वाले नुकसान के लिए ये भी एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। हालांकि इससे निपटने के लिए नेटफ्लिक्स लंबे समय से कोशिश में जुटी हुई है। शेयरिंग पासवर्ड के मामले रोकने के लिए जल्दी कई बड़े बदलाव ला सकती है। नेटफ्लिक्स ने अपनी एक बयान में सब्सक्राइबर घटने का एक और कारण बताया महंगाई को। साल दर साल बढ़ती महंगाई के कारण सब्सक्राइबर घट रहे हैं। हालांकि नेटफ्लिक्स इससे निपटने के लिए सस्ता प्लान लेकर भी आई है। इसे भारत के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे देश में नेटफ्लिक्स का सबसे सस्ता प्लान 149 रुपये में उपलब्ध है। यही प्लान पहले 199 रुपये में प्रति माह दिया जा रहा था। अब चर्चा है कि कंपनी इससे भी सस्ता प्लान लाने की तैयारी कर रही है। एक और कारण टेलीविजन और कंप्यूटर्स की है। नेटफ्लिक्स का कहना है कि पहली तिहाई रिपोर्ट में सब्सक्राइबर्स की संख्या घटने की और भी वजह है। इनमें दूसरी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्मों और टेलीविजन शामिल है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के बीच बढ़ता कंपटीशन भी हमारे प्लेटफॉर्म की घटती ग्रोथ की एक वजह है। नेटफ्लिक्स अपने प्लेटफॉर्म पर बिना विज्ञापन के कंटेंट दिखाता है। उसमें कोई एडवर्टाइजिंग नहीं दिखाता है। लेकिन इस घाटे की पूर्ति करने के लिए कंपनी अब कंटेंट के साथ विज्ञापन भी दिखा सकती है। कंपनी के CEO रीड ने इस ओर इशारा भी कर दिया है। इस तरह कंपनी अपने प्लान की कीमतें कम कर सकती है और विज्ञापन दिखाकर घाटे से उबर सकती है।